तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा डिजिटल मीटर होता है, इस डिजिटल मीटर का कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल मीटर है, इसके द्वारा हम वोल्टेज और साथ ही साथ में यहाँ पे हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मीटर है, इसके द्वारा हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमें सीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सीटी होगा वो फीडबैक देगा हमारे इस मीटर को, और जो हमारा मीटर होता है वो करंट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो अब हमें इस मीटर का कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा मीटर है, इस मीटर के द्वारा हम किसका करंट को मेजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए एक बल्ब इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास में बल्ब है, इस बल्ब का जो करंट होगा उसको हम मेजर करेंगे इस मीटर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मीटर है वो सिंगल फेस का है, इसीलिए हमें चाहिए यहाँ पे सिंगल फेस पावर सप्लाई, यानी कि फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई। अब यहाँ पे जो हमारे पास फेस सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको सीटी के अंदर से लेके जाएंगे, और जो हमारा लोड है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। याद रखिएगा, जो आपका फेस सप्लाई है उसको आपको सीटी के अंदर से लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा, और जो हमारा बल्ब है इसको मैं डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब था, इसको ग्लो होने के लिए पावर सप्लाई कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें मीटर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है A1 A2। किसी किसी मीटर में आपको L और N लिखा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पे A1 या फिर L लिखा हो वहाँ पे आप फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा, और जहाँ पे A2 या फिर N लिखा हो वहाँ पे आप न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा मीटर है इस पे लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट में आपको सीटी का फीडबैक देना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सीटी है उसमें से एक वायर कनेक्ट करेंगे, और इसको ले जाके हमारे जो सीटी का इनपुट है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से एक और वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को ले जाके हमारे जो सीटी का इनपुट है उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर था, इस मीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यदि यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई ऑन रहेगा तो हमारा बल्ब ग्लो होगा, और साथ ही साथ में हमारा जो मीटर है वो वोल्टेज को भी शो करेगा, और उसके बाद ये जो हमारा बल्ब है वो कितना एम्पीयर करंट ले रहा है उसको भी इस मीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों।